हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं छवि शर्मा आपको पढ़ाने वाली हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की सभी ब्रांचेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन सब्जेक्ट है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है तो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अब पढ़ने के लिए क्या करोगे? वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी। वीडियोज़ देखो, ध्यान लगाओ, मन लगा के पढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। तो अब इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सिलेबस के बारे में। अब कम्युनिकेशन स्किल्स का सिलेबस क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो सब एक बार देख लेते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं हमारे पास। स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट 1, फर्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, थ्योरी वर्ड से क्लियर हो रहा है कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसमें कम्युनिकेशन के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, आफ्टर दैट इसके टाइप्स क्या हैं। जैसे कि जब हम बातचीत करते हैं, हम किसी प्रोफेशनल जगह जाते हैं, हम अलग तरह से बात करते हैं, हम घर में होते हैं तो हम अलग तरह से बात करते हैं, तो वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि ये होता क्या है। नेक्स्ट, कमिंग टू सेकेंड यूनिट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स। अब जैसे कि वर्ड है इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्ड से ही समझ में आता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, हम किसी भी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, वो सब हम यूनिट के अंदर पढ़ेंगे जब हम सब्जेक्ट की क्लास देखेंगे। नेक्स्ट, कमिंग टू कम्युनिकेशन बैरियर्स। अब कोई भी चीज़ हो रही है या कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें बैरियर्स भी आएंगे। बैरियर्स मतलब रुकावटें। रुकावटें कैसी हो सकती हैं? जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो देखते में आपका नेट चला गया तो आपके एक रुकावट आ गई। अब उस रुकावट को हम कैसे डील करेंगे, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हम कम्युनिकेशन बैरियर्स में पढ़ेंगे। कमिंग टू थर्ड यूनिट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? जहाँ पे हम कुछ भी पढ़ें, रीडिंग मतलब पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज और चैप्टर और नोट्स और एनीथिंग। तो वो हम कहाँ करेंगे? हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आफ्टर दैट कमिंग टू यूनिट 4, दैट इज़ फॉर्मल राइटिंग स्किल्स एंड प्रोफेशनल राइटिंग स्किल्स। फॉर्मल राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं? जब हम किसी भी फॉर्मल स्पेस के लिए, फॉर्मल पर्सन के लिए कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे कि आप स्कूल्स में हैं, स्कूल में जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो आप क्या करते हो? एप्लीकेशन क्या, ऐसे ही जाके प्रिंसिपल को बोल देते हो या क्लास टीचर को बोल देते हो कि मैम मैं कल नहीं आने की या कल नहीं आने का हूँ? ऐसे नहीं होता ना। आपका एक प्रोसीजर है, एक फॉर्मल तरीका है कि आप एप्लीकेशन लिखोगे, क्लास टीचर को दोगे, क्लास टीचर वाइस प्रिंसिपल को देगा और फिर वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल के पास देगा, तब वो कम्प्लीटली एक प्रोफेशनल राइटिंग स्किल में आया कि आप प्रोफेशनल तरीके से लिखोगे। साथ में फॉर्मल एंड प्रोफेशनल राइटिंग स्किल्स एंड फॉर्मल राइटिंग स्किल्स में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि ड्राफ्टिंग ईमेल्स। अब आप किसी कंपनी में हैं या किसी कंपनी के लिए आपको इंटरव्यू देना है या अपना रिज्यूम CV अपलोड करना है तो आप कैसे करेंगे? आप उनको मेल करेंगे, तो आप मेल कैसे करेंगे वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। किसी स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन होना है, अब उसके बारे में सब बच्चों को बताना है, तो क्या प्रिंसिपल या कोई कोऑर्डिनेटर या कोई स्टूडेंट हर बच्चे के पास जाके बार बार नहीं बोलेगा ना कि हाँ कल ये कंपटीशन होना है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करके आना है? वो क्या करते हैं? वो एक नोटिस बनाते हैं, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं। तो वो नोटिस कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्या उसकी वर्ड लिमिट होती है, वो सब हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट कमिंग टू यूनिट 5, वोकैबलरी एंड ग्रामर। अब वोकैबलरी मतलब कि बातचीत करने में या किसी भी चीज़ में, कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं तो कम्युनिकेशन में वोकैब कैसे करेंगे? जैसे मैं कोई वर्ड बोल रही हूँ, मैं वोकैबलरी ही बोल रही हूँ, तो वोकैबलरी को वोकैबलरी ही प्रोनाउंस किया जाएगा। या प्रोनाउंसिएशन एक इंग्लिश वर्ड है, तो प्रोनाउंसिएशन को बहुत से लोग प्रोनाउंसिएशन बोल देते हैं, दैट इज़ द इनकरेक्ट वे ऑफ प्रोनाउंसिंग एनी वर्ड। तो वोकैबलरी में हम पढ़ते हैं कि किसी भी इंग्लिश के वर्ड को या किसी भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को हम कैसे बोलेंगे। आफ्टर दैट हम वोकैबलरी में और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि हिंदी में आपने पढ़े हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वही होते हैं इंग्लिश में। आफ्टर दैट इसमें आते हैं हमारे फ्रेजेस एंड आइडियम्स। फ्रेजेस एंड आइडियम्स क्या होते हैं? हिंदी में आप लोगों ने पढ़े होंगे लोकोक्तियाँ, मुहावरे, और नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे मुहावरे यूज़ करते रहते हैं, तो वही सब हम पढ़ेंगे इंग्लिश में। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम मुहावरे का कोई लें तो आपने हिंदी में बहुत ज़्यादा सुना होगा कि शैतान को याद किया, शैतान हाजिर। अब उसका यही मुहावरा अगर हम फ्रेजेस की बात करें तो फ्रेजेस में इंग्लिश में बन जाएगा द थिंक ऑफ डेविल एंड द डेविल इज़ हेयर।
तो दीज आर द फ्रेजेस, और इसी तरह के हम कुछ फ्रेजेस और आइडियम्स इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट कमिंग टू द ग्रामर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रामर सेक्शन में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में 7 टाइप्स होते हैं, जैसे कि नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, प्रिपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस। ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब चीज़ें हैं जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य। ये सब चीज़ें हम ग्रामर पार्ट में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। और हम इसमें पढ़ेंगे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। एंटोनिम, सिनोनिम्स कुछ नया सा वर्ड लग रहा होगा, आपने हिंदी में पढ़े हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, दीज आर एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। साथ ही में हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है? जैसे कि कोई काम हो गया, अब वो तो हो गया एक्टिव वॉइस कि वो हो रहा है, और जब वो हो चुका तो पैसिव वॉइस में हम उसको कन्वर्ट करते हैं कि अभी तो हो रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है। एक्टिव मतलब कि हो रहा है, पैसिव मतलब कि हो चुका। तो एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो भी पढ़ेंगे। आफ्टर दैट कमिंग विद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब मैं कोई बात आपको बोल रही हूँ, आपके पास तक जा रही है, अब आपको यही बात किसी थर्ड पर्सन को बतानी है कि मैम ने उस दिन हमें ऐसे बोला, तो आपने मेरी बात अपने तक रखी और आपने अपनी बात फिर उस थर्ड पर्सन को बताई, तो जो मैंने आपको बताया दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच। अब मेरी बात आपने उस थर्ड पर्सन को बताई तो दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच, कि मेरी बात आप तक गई, मैंने डायरेक्टली बताई, बट मेरी बात आपने थर्ड पर्सन को बताई, मैंने नहीं बताई, तो दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। ये है हमारी 5 यूनिट्स जो हम कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर पढ़ेंगे। अब आप लोगों को जितना ज़्यादा नॉलेज चाहिए उतनी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। आपको कुछ नया चाहिए या आपको कुछ भी क्वेरी है या कोई भी आपको टाइम शेड्यूल, क्लासेस के टाइम शेड्यूल के बारे में पता करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल JEC पॉलिटेक्निक सेमिस्टर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि नंबर है 8650959597। आफ्टर दैट इसी के साथ साथ आप हमारा प्ले स्टोर से JEE क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी की सारी क्लासेस विद PDF नोट्स प्रोवाइड होंगी। और अब जब आप पढ़ रहे हो, आपको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो वीडियो को भी तो शेयर करना बनता है, तो वीडियो को जितना ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएंगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना अच्छा है। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।